हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास लेसन 3 क्वेश्चंस, जो कि एक लिंक लेसन है कक्षा 8th की वर्कबुक में, इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें बाद में आंसर करने होते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करने से पहले हम उसके जब क्वेश्चंस करते हैं तो उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए और फिर उसके आंसर हमें करने चाहिए। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आइए पैसेज को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये एकलव्य हैं और ये स्टैचू गुरुद्रोण का दिखाया गया है और जो गुरुद्रोण के पीछे खड़े हैं वो इनके शिष्य हैं, कौरव और पांडव। आजकल महाभारत टीवी में चल रही है, आपने ये एपिसोड टीवी में भी देखा होगा। तो आइए इस पैसेज को हम करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एकलव्य, ए ट्राइबल प्रिंस। यह एक कबीलाई राजकुमार एकलव्य की कहानी है। ये एकलव्य है हु रिगार्डेड द्रोणाचार्य एज हिज टीचर, जो कि द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे। ही मेड ए क्ले स्टैचू ऑफ हिज गुरु, उसने अपने गुरु का एक मिट्टी का बुत बनाया। एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्चरी इन फ्रंट ऑफ इट, और उस बुत के सामने धनुर्विद्या की प्रैक्टिस, धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। सून ही बिकेम एन एक्सपर्ट शूटिंग, और जल्दी ही वह शूटिंग में एक्सपर्ट बन गया, निपुण बन गया। वंस एक बार While Drona and his pupils were hunting in the forest, एक बार जब द्रोण और उनके शिष्य जंगल में शिकार के लिए गए, their hunting dog spotted his statue, उनके शिकारी कुत्ते ने गुरु द्रोण का बुत देखा। and started barking, और भौंकना शुरू कर दिया। Suddenly, अचानक 7 arrows were shot at the dog's mouth, कुत्ते के मुँह में 7 तीर लगे। बट द डॉग वॉज नो हर्ट, परंतु कुत्ते को कोई भी हानि नहीं पहुंची। अमेज द्रोणा, आश्चर्यचकित द्रोण ने इमिडिएटली लर्न अबाउट दिस एक्सपर्ट शूटर, इस निपुण धनुधारी के बारे में जानना चाहा। बीइंग ग्रेटर देन हिज फेवरेट प्यूपिल अर्जुन, जो कि उसके फेवरेट प्यूपिल अर्जुन से भी महान दिखाई दे रहा था। ऑन बींग आस्क दिस शूटर एडमिटेड दैट ही प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ हिज क्ले स्टैचू, उनके पूछने पर उस धनुर्धारी ने स्वीकार किया कि उसने उनके मिट्टी के बुत के सामने अभ्यास किया है। दो इम्प्रेस्ड द्रोणा रिमेंबर टू हैव प्रोमिस्ड अर्जुना टू मेक हिम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्चर, यद्यपि द्रोण एकलव्य से बहुत प्रभावित हुए, परंतु उन्होंने अर्जुन से वायदा किया था कि वो उनको संसार का महान धनुर्धारी बनाएंगे। ही डिमांडेड एज हिज गुरु दक्षिणा फ्रॉम द ट्राइबल प्रिंस हिज राइट हैंड थंब, उन्होंने गुरु दक्षिणा में उस कबीलाई राजकुमार से, एकलव्य से, उनका राइट हैंड थम, उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो उम्मीद है बच्चों कि ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत हो हमें बताना है कि कौन सी
जो स्टेटमेंट है यानी कौन सा क्वेश्चंस सही है और कौन सा गलत है, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। ए द ट्राइबल प्रिंस वाज द्रोणाज फेवरेट स्टूडेंट, कबीलाई राजकुमार द्रोण का फेवरेट स्टूडेंट था। क्या था? नहीं बच्चों, गुरु द्रोण का फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन था, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। बी द स्टूडेंट लर्नड आर्चरी फ्रॉम अर्जुना, इस स्टूडेंट ने मींस एकलव्य ने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी। नहीं प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, उन्होंने द्रोण के बुत के सामने अभ्यास करके सीखी थी, तो इसका भी फॉल्स आ जाएगा। द्रोणा शॉट एरोज एट द डॉग्स माउथ, द्रोण ने कुत्ते के मुंह में तीर मारे। नहीं प्यारे बच्चों, एकलव्य ने मारे थे, इसलिए ये भी फॉल्स आ जाएगा। द्रोणा आस्क फॉर हिज डिसिपल्स लेफ्ट हैंड थंब, द्रोण ने लेफ्ट हैंड थंब बाएं हाथ का अंगूठा अपने शिष्य से मांगा था। नहीं प्यारे बच्चों, राइट हैंड का मांगा था, इसलिए ये भी फॉल्स आ जाएगा। इनके अलावा बच्चों इसमें तीन क्वेश्चंस और दिए गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, समथिंग विच इज़ मेड इन मेटल स्टोन और क्ले एंड रिजेंबल्स ए पर्सन, कोई भी धातु पत्थर मिट्टी आदि की बनी हुई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति की शक्ल से सूरत से मेल खाती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेम वर्ड हमें पैसेज में से ढूंढना है, तो प्यारे बच्चों उसको हम स्टैचू बोलेंगे, जैसे इसमें आया है क्ले स्टैचू, मिट्टी का बुत, तो स्टैचू इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है स्टूडेंट, सेम मीनिंग बताना है इसका। प्यारे बच्चों आया था प्यूपिल, फेवरेट प्यूपिल, फेवरेट स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट का प्यूपिल। और स्किल्ड पर्सन, निपुण व्यक्ति यानी निपुण, स्किल्ड, कोई भी जब किसी कार्य में निपुण हो जाता है उसको हम स्किल्ड पर्सन, अथवा फर्स्ट जो हमारा पैसेज इसमें है एक्सपर्ट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।